आज हम घर की थोड़ी सी चीजों में गेहूं के आटे और घी का इस्तेमाल करते हुए बिना ओवन का तवे पे हेल्दी टेस्टी खस्ता बिस्किट बनाएंगे। आप देख सकते हैं बिस्किट बहुत बढ़िया बनी है। आप इस आटा बिस्किट को एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो इस आसान आटा बिस्किट बनाने के लिए एक बाउल लीजिए, इसमें डालिए 1/3 कप घी। घी इसी तरीके से जमा हुआ होना चाहिए। अगर घी आपकी पिघली हुई है तो फ्रिज में रख के थोड़ा जमा लीजिएगा। आप घी के बदले मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए पिघली हुई घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ग्राम्स में देखे तो 80 ग्राम्स घी है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पीसी हुई चीनी। चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए। तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। आप 1-2 चम्मच कम चीनी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। सारी चीजों का नाप एक ही कटोरी से कीजिएगा। अब साथ ही में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच नमक। बिस्किट में हल्का सा नमक डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है। अगर आप बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक नहीं डालिएगा। और अब बहुत जरूरी है कि हम चम्मच या विस्कर से इस तरीके से करीब 1 मिनट के लिए मिक्स कर लें। तो 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि घी का कलर बदलने लगा है और थोड़ा सा व्हाइटिश हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चीनी पाउडर को छान के ही इस्तेमाल कीजिए। और बहुत ही अच्छे से हमने 1 मिनट तक मिक्स कर लिया है। और अब छन्नी रखिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा, ग्राम्स में 150 ग्राम। बहुत ज़रूरी है कि गेहूं के आटे को भी छान के ही इस्तेमाल कीजिए। और अब हम बिस्किट को खस्ता बनाने के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। हमें बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, भूल के भी बेकिंग सोडा नहीं डालिएगा। आप किचन के छोटे चम्मच से भी नाप कर सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं। तो आज मैं ये बिस्किट बिल्कुल बाजार जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट की तरह आपको बनाना बता रही हूँ, इसलिए आज मैं इसमें ना हरी इलायची पाउडर डाल रही हूँ और ना ही सूजी ना ही बेसन। आपकी इच्छा हो तो 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से डो को हाथ में लेंगे ना तो देखिए बहुत ही अच्छे से बन रहा है। लेकिन बिस्किट का डो हल्का सा हमें समेटना है, इसलिए 1 चम्मच दूध डालें। दूध उबला हुआ है और बिल्कुल हमें ठंडा इस्तेमाल करना है। गर्म लीजिएगा तो घी पिघलेगी और फिर डो हमारा चिपचिपा हो जाएगा। वापस से 1 चम्मच डालें। तो इसी तरीके से हमें हल्के हाथों से समेटते हुए डो लगाना है। टोटल मैंने 3 चम्मच यानी कि 1/4 कप से 1 चम्मच कम दूध का इस्तेमाल किया है। तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 चम्मच दूध आपको कम या ज्यादा लग सकता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि 1-1 चम्मच करके ही आपको बिस्किट के डो में दूध डालना है, एक बार में ज्यादा नहीं डालिएगा। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि डो नहीं समेट आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप जब मिक्स कीजिएगा ना तो देखिए इसी तरीके से परफेक्ट डो तैयार हो जाएगा। अगर आपका डो ज्यादा चिपचिपा है तो 10 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में जरूर रखिएगा। तो आज हम ये बिस्किट तवे पे बनाएंगे। तो आप किसी भी प्रकार का तवा इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे के भी तवे में बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। तो बिस्किट बिल्कुल भी ना जले इसलिए तवे के ऊपर हम तवा या फिर कढ़ाई या पैन इस तरीके से रखेंगे। तो तवे को चूल्हे पे रखें, गैस को मीडियम कर दीजिए और इसके ऊपर हम पैन या फिर एक दूसरा तवा रखते हैं। बिस्किट तले से जले नहीं, डार्क कलर नहीं आए, इसलिए इसके ऊपर बटर पेपर या फॉइल पेपर इस तरीके से जरूर लगाइए। और टाइट लीड या किसी भगोने से ढकते हुए हम 8 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए रख देते हैं। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और अब हम इस तरीके से बटर पेपर या फिर फॉइल पे रखते हैं। हाथों से हल्का सा दबाव दे दें। तो सिर्फ गेहूं के आटे से बना रहे हैं इसलिए किनारों से क्रैक आएगा। तो बिस्किट बिल्कुल भी नहीं टूटे इसलिए एक और बटर पेपर इसके ऊपर रखिए और बेलन से हम धीरे धीरे बेल लेते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें बेलना है। तो मैं आपको एक बार उठा के दिखा देती हूँ। देखिए डो को बड़ा कर लेना है। तो मैं आपको वापस से दिखाती हूँ। देखिए तो अगर बटर पेपर नहीं लगाते और बेलते तो क्रैक कर सकता था, इस तरीके से स्मूथ तैयार नहीं होता। और अब हम बिस्किट को आकार में काटेंगे। तो आप किसी छोटे ग्लास या फिर इस तरीके के किसी भी प्रकार की कटोरी या कुकी कटर से कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम गोल घुमाते हुए काट लेते हैं। तो एक बार में बहुत ही कम मेहनत में बहुत सारी पीसेस निकल जाती हैं। तो देखिए एक बार में हमने 7 पीस निकाल लिया है। ये जो किनारे का भाग है ना इसे हटा लीजिए।
और वापस से हम समेटते हुए काट लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट बिस्किट है, इसलिए चाकू को नीचे की ओर ले जाते हुए हटाएं। बिना टूटे बहुत ही आसानी से आ जाएगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और अब हम एक टूथपिक लेंगे, तो टूथपिक के पीछे से हम इस तरीके से छेद कर देते हैं जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट में होता है। और होल करने से ना बिस्किट जल्दी से पक भी जाते हैं और देखने में भी बढ़िया दिखते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी बिस्किट पे प्रिक कर लेते हैं। तो अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो प्री हीट करने के बाद 170 डिग्री पर 15 से 18 मिनट तक बेक कीजिएगा। लेकिन आज हम बिना ओवन का बना रहे हैं, इसलिए जितना बिस्किट अभी बनाया है इसे पहले हम बेक कर लेते हैं। जब ये बेक होंगे तब तक हम और बना लेंगे। और अब हम धीरे से हाथों को नीचे ले जाते हुए प्लेट के ऊपर रख लेते हैं। चलिए फटाफट बेक करने के लिए रखते हैं। इधर तवा भी बहुत ही अच्छे से प्रीहीट हो चुके हैं, तुरंत लीड हटाइए। और अब हम सावधानी पूर्वक हाथों में बिस्किट उठाते हुए, तो बड़े नाजुक से बिस्किट है दोस्तों, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये काम कीजिएगा। तो एक एक करके आपको बिस्किट को धीरे से उठाना है और आहिस्ता आहिस्ता रख देना है। और अब हम वापस से लेट से कवर कर देते हैं। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे, इसी तरीके से 20 मिनट तक पकने दें। तो अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो इस तरीके के स्टैंड पे ही प्लेट को रखिएगा। बिस्किट पकते हुए 25 मिनट हो चुका है। जब 20 मिनट हुआ था तब मैंने धीरे से स्पैचुला से उलट पलट कर लिया था। आपको भी बहुत ही सावधानी पूर्वक उलट पलट कर लेना है। ऐसे बिस्किट अच्छे से दोनों तरफ से पकती है क्योंकि हम बिना ओवन का बना रहे हैं। ओवन में चारों तरफ से बेक होता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। फ्लेम बंद कर दें। तो अभी बहुत गर्म है, हम 10 मिनट के रूम टेम्परेचर या फिर पंखे के नीचे छोड़ देते हैं। अगर गर्म में उठाइएगा ना तो टूट जाएगा। देखिए हल्का सा गर्म में मैंने उठाया तो यहाँ पे क्रैक आ गया है। तो बहुत ही अच्छे से बिस्किट ठंडी हो चुकी है, प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने बिना कढ़ाई ओवन का तैयार किया है, फिर भी देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। ठंडी हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कढ़ाई में बना रहे हैं इसलिए 8 से 10 मिनट तक अच्छे से प्री हीट करने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे आपको 15 से 20 मिनट के बाद उलट पलट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है, किनारों से भी आप देख सकते हैं। गेहूं के आटे का है, घर की चीजों से बनाया है, बहुत ही कम चीजों में तैयार किया है, इसलिए एक बार जरूर बनाएं। तो इस हेल्दी बिस्किट को आप निश्चिंत होकर बड़े और बच्चों को दे सकते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 12 पीस बिस्किट बन जाएंगे। मैंने सिर्फ एक बैच का आपको फटाफट बना के दिखाया है। तो अब मैं आपको बिस्किट तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही खस्ता है, बिल्कुल भी कड़े नहीं हुए हैं और ना ही सौगी सौगी से है। जब बिस्किट अंदर तक पकती है ना तभी क्रिस्पी होती है, आप अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो और बिस्किट मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से पके हुए दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि आपको 5 से 10 मिनट का टाइम ज़्यादा लगेगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।